Assalamualaikum, this is Naman Batavia. हम जा रहे हैं सीव्यू की तरफ. मेन रास्ता बंद है, पीछे से घूम के आने का रास्ता है. तो हमने सोचा आज मजीद सीव्यू का एक और विजिट किया जाए. देखें, इससे पहले हम चले थे रमजान में और हमने आपको बताया था कि सीव्यू लॉकडाउन में कैसा लग रहा है. लॉकडाउन पूरा ईज हो गया और आज यहाँ पर एक ऑफिस मीटिंग की वजह से आना था, तो मैंने सोचा कि चलें हम देखते हैं कि अब क्या चल रहा है यहाँ पर. तो इंशाल्लाह जैसे अभी हम जाएंगे सीव्यू पर और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या पब्लिकली ओपन है कि नहीं, वो देखें. आपके सामने आ रहे हैं कंटेनर्स हैं खड़े हुए हैं, मेन रास्ता बंद है. मैंने एक दूसरा रोड लेना था, वो भी बंद मिला. अब देखें मैं गलियों से जा रहा हूँ और देखते हैं आगे जाके कहाँ से रास्ता मिलता है. लेट्स सी, आप भी मेरे साथ ही रहिएगा. ये देख सकते हैं आप कि मैं आ चुका हूँ जहाँ पहले विलेज था और हर तरफ बैरियर है, यानी मैं उस तरफ जा ही नहीं पा रहा. चलें ट्राई करते हैं. ओके तो चलें जी, दिस इज फाइनली सी वॉल के पास हम आ चुके हैं. वही वाली बात है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे. बहुत लंबा सफ़र हमने किया, कोई पौना घंटा मैं डॉल्फिन मॉल से लेके सी वॉल तक आने में मुझे लगा है. क्योंकि यकीन करें कोई रास्ता खुला हुआ ही नहीं था. बहुत आगे जाके मुझे एक छोटी सी साइट मिली और मैं उसको यूज़ करते करते यहाँ पर आया हूँ. और यहाँ पर बहुत ही सेलेक्टिव गाड़ियाँ हैं और पानी का बड़ा ज़बरदस्त बहाव है. आप अगर किसी को आना हो तो अपने रिक्स पर आइएगा और बहुत सारा उसको घूम घूम के आना पड़ेगा. तो चलें अब मैं आपको समंदर को दिखाता हूँ कि आप वर्चुअली समंदर को देख सकें. पास जा रहे हैं, बहुत ही सेलेक्टेड आवाम है, गिनती के कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये भी पता नहीं मेरी तरह कैसे पहुँचे होंगे घूम घूम के. तो अगर किसी ने आना है तो बहुत आगे जाके सी वॉल से भी, मतलब विलेज से भी आगे जाके अंदर से कहीं उसको जगह मिल जाए तो फिर वो यहाँ पे पहुँचेगा. और ये देखें समंदर का बड़ा ही ज़बरदस्त पोज है, पानी अच्छा फुल फ्लैश है, देखें आप ज़रा. और ये आने का टाइम है, बेहतरीन टाइम है सीव्यू पर आने का, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से नहीं आ पा रहे. और अगर कोई वाकई में नहीं आ पा रहा तो मेरी कुछ वीडियो से वो देख लें. और इस किस्म की वीडियो करते हैं जहाँ को भी रिफ्रेशमेंट मिले. थैंक यू सो मच.